गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट, टुडे वी विल डिस्कस द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एज वी नो दैट फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, बट द एग्रीमेंट ओनली बाय मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट यू कैन नॉट इन्फोर्स दोज एग्रीमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स वाई द एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑलवेज Always do emphasis on the making of contract. Yesterday, at the end of my lecture, I had given the definition of contract. अपने लेक्चर के समापन के समय मैंने कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा का उल्लेख किया था। और कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है? For the making of contract, agreement is the initial step, is the first step. Agreement, without making of agreement, you cannot make a contract. It is fact, it is right. But as per the contract, as per the spirit of contract Act 1872, if you want to get justice in the court of law, agar aap kanoon ke madhyam se, court ke madhyam se, यदि आप न्याय लेना चाहते हैं, तो हमारा अधिनियम हमेशा इस बात पर बल देता है कि आप संविदा करें। करार संविदा नहीं है, संविदा करार है। संविदा में करार समाहित रहेगा, लेकिन करार में संविदा नहीं रहेगा। इसीलिए यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई न्याय लेना है, तो आप को सदैव संविदा करना होगा। इस बात को आप स्पष्ट, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों के समक्ष। इसीलिए डोंट ट्राई टू मेक एन एग्रीमेंट, ऑलवेज ट्राई टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, When we are discussing about contract, जब हम संविदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो करार की परिभाषा भी जानना बहुत जरूरी है। 2E में करार की परिभाषा दी गई है और 2H में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 जो है, सेक्शन 2 जो है, वह इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मीन्स इट इज अ डेफिनेशन क्लॉज। और मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था कि जब भी आप कोई अधिनियम पढ़ेंगे, तो लगभग अधिनियमों में आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज मिलेगा, चाहे वह धारा 1 हो चाहे वह धारा 2 हो। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, 72 की धारा 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निहित है। इसमें परिभाषा विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों का दिया गया है, और उन शब्दों की जो परिभाषा दिया गया है, उन शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसकी भावना के अनुरूप ही आपको आगे जब भी अधिनियम पढ़ते समय वह शब्द आते हैं, उसको उसी भाव में समझना पड़ेगा, और समझते हुए आपको अपना काम करना है। यदि आप अपनी साधारण सोच, साधारण परिभाषा के आधार पर कोई काम करने जाएंगे, तो वह परिभाषा आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। हमारा अधिनियम कहता है, डोंट अप्लाई योर ऑर्डिनरी ब्रेन व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एनी एक्ट। भारतीय संविधान 1872 में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे मैं उदाहरण दे दूं, प्रस्ताव, स्वीकृति, करार, वचन, प्रतिफल, शून्य करार, ऐसे ढेर सारे शब्द आपको मिलेंगे। शून्यकरणीय करार, शून्यकरणीय संविदा, शून्य संविदा, ऐसे ढेर सारे शब्द आपको मिलेंगे।
जैसे कहा जाता है हु इज माइनर, हु इज अनसाउंड माइंड, हु इज कॉम्पिटेंट, हु इज इडियट, हु इज ल्यूनेटिक, ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे, महत्वपूर्ण टर्म्स मिलेंगे। तो इन टर्म्स की डेफिनेशंस हमारे अधिनियम में दिया गया है और उस डेफिनेशंस को आपको समझना है, जानना है, और मैं कह सकता हूं कि इसको आपको अपनी जीवा पर रखना है। इफ यू वॉन्ट टू हैव अ एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन अ सब्जेक्ट यू मस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन क्लॉज वेरी माइन्यूटली एंड वेरी सीरियसली। विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज डेफिनेशंस, विदाउट नोइंग द डेफिनेशंस ऑफ दोज टर्म्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल एक्ट। यदि आप ये छोटे ये जो शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं अधिनियम के, अगर इसकी परिभाषा, इसकी भावना, इसके अर्थ को यदि आप अच्छी तरह भलीभांति नहीं समझेंगे तो आप किसी भी अधिनियम को, खास तौर से मैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की बात कर रहा हूँ, आप इस संविधान अधिनियम को नहीं समझ पाएंगे। और यह परिभाषा सिर्फ यही नहीं कि आप उसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए और रट लीजिए, जब भी यह अधिनियम में ये शब्द आते हैं तो आपको वही अर्थ लगाना है जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, जो परिभाषा क्लॉज में दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं। यह गलती आप लोगों से दोहराई न जाए, यह गलती पुनरावृत्ति न हो, फिर भविष्य में समस्याएं ना आए। इट इज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर आई वॉन्ट टू वेरी मच क्लियर बिफोर ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स दैट यूर लॉ स्टूडेंट, यूर लॉ स्टूडेंट, यू कैन बी जज, यू कैन बी APO, यू कैन बी एडवोकेट, यू कैन डू प्रैक्टिस इन सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, यू कैन डू प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आप ये साधारण चीजें नहीं समझेंगे, परिभाषा को हूबहू समझना है, भावना को समझना है, अर्थ को समझना है, और जब भी वह शब्द आपको, जैसे आपने प्रस्ताव पढ़ लिया, जैसे करार की परिभाषा, मैंने संविदा की परिभाषा कल मैं आपको दिया था। संविदा की परिभाषा क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ए दिस इज अ डेफिनेशन। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है, जिसकी हिंदी है। मेरे लेक्चर थोड़ा सा 60% यू विल गेट माय लेक्चर इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शंस यू कैन गेट द हिंदी। आप मेरे लेक्चर में 60% आप लगभग इंग्लिश पाएंगे और बीच में हिंदी का भी प्रयोग करूंगा, इसीलिए थोड़ा सा आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जितने भी लॉ बने हैं ये आजादी के बाद के नहीं है। मैक्सिमम लॉज Who were the makers? The English peoples, अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था। इंडियन पेनल कोड 1860 ये किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। एविडेंस एक्ट 1872 ये किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था। तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, आप यदि कानून को, यदि विधि को इंग्लिश में यदि समझने की कोशिश करते हैं, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश आप करिए, तो आप को बहुत सहूलियत होगी, बहुत ही इजीली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, द टीचर्स, व्हाट दे आर टीचिंग एंड व्हाट दे विल टीच। जो पढ़ाएंगे उसको भी आप बाखूबी समझ ले जाएंगे। अन्यथा हिंदी में क्या है, हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, यू विल गेट द टफ वर्ड्स इन हिंदी। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारे इंग्लिश में एक टर्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अचल संपत्ति। हिंदी में आप चले जाइए, अचल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, अस्थावर संपत्ति, और भी टर्म्स आपको मिलेंगे टिपिकल हिंदी सिविल के। ये ट्रांसलेट हुए हैं, जितनी भी किताबें आप लॉ में हिंदी में पाते हैं वो ट्रांसलेशन है। बेसिकली द थिंग्स शैल बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन यू विल रीड द इंग्लिश बुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू गो थ्रू द इंग्लिश बुक्स
एज वेल एज हिंदी बुक्स, हिंदी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहिए तो ग्रेजुअली द थिंग्स शैल बी क्लियर। मैं डेफिनेशन की बात चर्चा कर रहा था, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉज कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन को कैसे पढ़ा जाता है, आपको चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, फर्स्ट सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूं, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डेफिनेशंस आएंगे, महत्वपूर्ण डेफिनेशंस आएंगे। अब डेफिनेशंस को कैसे पढ़ा जाता है आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्ड यूज है एन एग्रीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, और इनफोर्सिबल बाय लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, एंड लास्ट टर्म इज यूज कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आपको एग्रीमेंट क्लियर नहीं होगा, एग्रीमेंट का क्या अर्थ है, जब तक आपको इनफोर्सिबल बाय लॉ क्लियर नहीं होगा इसका क्या अर्थ है, या क्या क्या इस शब्द का क्या अर्थ है, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ सकते। तो आप सोच सकते हैं कि इन दिस वे यू विल गेट मेनी डेफिनेशंस इन कॉन्ट्रैक्ट, यू विल गेट मेनी डेफिनेशंस, व्हाट एवर द डेफिनेशंस, यू विल रीड द डेफिनेशंस इन दिस वे। आपका एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग एब्सोल्यूटली, पूर्णता बात को नहीं समझेंगे और आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इसीलिए असमंजस की स्थिति में क्या होगा, भविष्य भी असमंजस में रहेगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर कोर्स, दैट्स व्हाई यू मस्ट बी सीरियस एंड यू मस्ट डू एम्फेसिस व्हाट आई एम गिविंग यू द टैक्टिस, हाउ यू विल रीड द बुक्स, हाउ यू विल गो थ्रू द बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट से आप कैसे गुजरेंगे। जैसे डेफिनेशन है, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट की परिभाषा टू ई में दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2, जब आप पढ़ेंगे धारा 2 की ई में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आप इसी तरह पाएंगे। टू ई को जब आप देखेंगे टू ई, तो टू ई में आपको एग्रीमेंट की परिभाषा मिलेगी। एग्रीमेंट की परिभाषा क्या है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की परिभाषा में लिख रहा हूं आपको टू ई, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की परिभाषा क्या है इसकी हिंदी में बता दूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं इसलिए मैंने कहा था कि आप बैरेट खरीद लीजिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो तत्काल बेयर एक्ट खोल के आप टू में डेफिनेशन को आप जान सकते हैं। जब तक क्या कह रहा है, एवरी प्रॉमिस, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जिसमें प्रतिफल हो, ऐसे वचन वचनों के समूह जिसमें प्रतिफल है वह करार है। तो करार में क्या होता है, वचन रहेगा और वचनों का श्रृंखला रहेगी जिसमें प्रतिफल है। प्रतिफल मींस कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब कुछ देता है तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ देता है। एक व्यक्ति अगर देगा, जैसे ये ने कहा कि मेरी एक साइकिल है मैं आपको बेचना चाहता हूं 200 रुपए में, तो आपने साइकिल दिया और सामने वाले ने पैसा दिया, यह जरूर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होगा कि ए ने साइकिल दे दिया और बी ने कुछ नहीं दिया तो वहां क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वी आर डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट हियर, वी आर नॉट डिस्कसिंग द गिफ्ट। तो यहां पर जब आप किसी को दिए उसके वजह में आप कुछ भी नहीं लिए, इन लिव ऑफ दैट यू डिडंट टेक एनीथिंग, तो हम कहेंगे वहां गिफ्ट हुआ है, जहां पर आप कुछ भी नहीं लिए दे दिए, सिर्फ गिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों बताओ गिफ्ट हुआ नहीं, हाँ गिफ्ट हुआ। लेकिन कंसिडरेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा
कंसीडरेशन जो है वह अवश्य होगा संविदा में, करार में, बिना कंसीडरेशन के संविदा अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। हम बाद में बताते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। देयर इज ए वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ कंसीडरेशन, जब हम आगे पढ़ेंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन चैप्टर पे हम डिटेल पढ़ेंगे कंसीडरेशन की क्या डिफिनेशन है, कब वैलिड कंसीडरेशन होगा, कब इनवैलिड कंसीडरेशन होगा, कौन कौन सी चीज़ें कंसीडरेशन के तहत नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पूरा चैप्टर में देखेंगे। तो आज यहाँ पर हमने एग्रीमेंट में क्या देखा, ऐसे वचन वचनों का समूह जिसमें प्रतिफल होगा करार, इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा डिफिनेशन। अगर कोई इंटरव्यू में कहीं भी कोई व्यक्ति पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, तो आपको एग्रीमेंट की परिभाषा कैसे बोलना है कि सर द डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब आप इस तरह का जवाब देंगे तो आपका जवाब 100% सही रहेगा। आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको अगर कोई पूछा करार की क्या परिभाषा है, करार ऐसे होता वैसे होता ऐसे, आप साधारण भाषा में बोलेंगे तो आपका उत्तर सही नहीं होगा। आप जब भी उत्तर देंगे लॉ में, अगर अधिनियम में, एक्ट में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डेफिनेशन दिया गया है तो डेफिनेशन आपको हूबहू बोलना ही है, आपको जानना ही है, तब माना जाएगा कि आपको अपने विषय पर फुल कमांड है, नहीं तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका कमांड है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी डेफिनेशन। दोज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, बिकॉज ऑफ These words you will get when you will go through the act. जब आप act को पढ़ेंगे तब आप इन शब्दों से गुजरेंगे, और जब तक आपको शब्द क्लियर नहीं रहेंगे, डेफिनेशन क्लियर आपका नहीं रहेगा, तो आप एक्ट को अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते। और जब आप एक्ट अच्छी तरह नहीं समझ सकते तो आपके सामने जब भी कोई भविष्य में मुकदमा आएगा, जैसे आप जज बन गए, वकील बन गए, APO हैं, लॉ ऑफिसर कहीं पर हैं, तो आपको यह समस्या हमेशा आएगी। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआती दौर है, फर्स्ट क्लास आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी से ही आप लोग सिंसियरली जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग उसी तरह उसी टेक्निक से पढ़ने की कोशिश करें। क्या है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों के लिए, दोनों में प्रति दोनों का लेन देन होगा, तो उसको हम एग्रीमेंट करें। परिवर्तनीय, जिसकी हिंदी है, अर्थात ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात जिसके सहयोग में कानून खड़ा रहेगा। आपने करार कर लिया, करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा, विधि द्वारा परिवर्तनीय तभी होगा जब आपका करार भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के सारे सिद्धांतों को पूरा करते हुए करार होगा। और जब करार संविधान, जब संविधान अधिनियम 1872 के पूरे सिद्धांतों को फॉलो करते हुए होगा, तो वही करार हम संविदा कहेंगे। और जब संविदा होगा तो कोई भी समस्या होने पर, मैंने पहले भी कहा है, तो आपके सहयोग में कानून खड़ा रहेगा, कानून की सारी मशीनरीज खड़ी रहेंगी, कोर्ट खड़ा रहेगा, जज खड़े रहेंगे, और आपको रिलीफ मिलेगा। तो बात क्लियर हो गई कि आप करार वही करिए जो संविदा के सारे सिद्धांतों को पूरा करता हो। धारा 10 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। करार करते समय अर्थात संविदा करते समय हमेशा धारा 10 के सिद्धांतों को पूरा करिएगा, जिसमें प्रस्ताव हो, स्वीकृति हो, विधिक संबंध हो, प्रतिफल हो, सक्षमता हो, और
जहां पर सम्मति वैध हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, टर्म्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच क्लियर, इट डजेंट क्रिएट एनोमली, एंड नोवेयर इन द एक्ट डिक्लेयर्ड एब्सोल्युटली वॉइड, एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज, यदि कहीं पर कुछ औपचारिकता की बात है, कुछ ऐसे प्रकार की संविधाएं होती हैं जहां पर बिना औपचारिकताओं को पूरा करे संविधान पूरा नहीं किया जा सकता है, तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, उन सारी औपचारिकताओं को भी आपको पूरा करना है, अर्थात धारा 10 के जो भी सिद्धांत 10 12 बताए गए हैं उन सारे सिद्धांतों को जब आप पूरा करते हैं तो वही करार संविधान हो जाएगा, और संविधान यदि आप करते हैं तो वह संविधान आपको सदैव न्याय प्रदान करता रहेगा विधि की नज़र में। थैंक यू वेरी मच।